नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमारी इस साल की जो बैच है उसका नाम है अद्भुत बैच, और अद्भुत बैच में हम लोग हमारे फोर मेन सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, मैथ, साइंस, एसएस और इंग्लिश, जिसके अंदर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर और साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरा मज़ा आएगा आपको देख कर। एंड साइंस पे तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपको समझाया है, सो दैट आप हर एक चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो आई फाउंड कि आपको थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से करवाएं तो आपको चीज़ों को मगअप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वेल, जैसे आप हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ्स और साइंस का हो चुका है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस, और इंग्लिश में जो फर्स्ट फ्लाइट की किताब है हमारी, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे। तो सुनिए, चैप्टर को बड़ा मज़ेदार चैप्टर है एंड बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है, एंड इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे में पूछते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। तो चलिए, मेरी अद्भुत बैच 2024-25 की मेरी बैच शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों कि जब कोई चैनल स्क्रॉल करता है तो चैनल कितनी अच्छी है या क्या है वो आप उनको बता पाओगे, तो आप कैसे बताओगे, बाय लाइक, बाय कमेंट। आप इस तरीके से जब करते हैं तो दूसरा लोग थोड़ा ट्रस्ट होता है कि हाँ ये चैनल अच्छा है और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनसे बस सपोर्ट कि मैं आशा करती हूँ कि आप इतना मुझे सपोर्ट कर लीजिए, सो दैट मेरी चैनल और मेरी जो मेहनत है वो आगे रंग लाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, जिन्होंने लिखा था, ओके, जिसको लिखा था बेसिकली जी एल फेंटिस ने। आपको बिल्कुल नाम लर्न करने होंगे ऑथर्स के, क्योंकि हमारे गुजरात बोर्ड में हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोग ऑथर के नाम हर एक आंसर में लिखे, ओके, लाइक दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर सो एंड सो रिटन बाय द ऑथर, इतना हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़रूर लिखते हैं एंड देन हम हमारा मेन आंसर शुरू करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी चैप्टर जब आप जब समझ रहे हैं तो साथ साथ में ऑथर का नाम भी मेमोराइज करते जाइए। तो वेल, दोबारा शुरू करते हैं हम लोग। तो ये जो लेटर टू गॉड है, ये जो चैप्टर है वो जी एल फिंटिस जी ने लिखा था, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश है। तो अब बेसिकली बेटा ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा आइडिया होगा ही मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर एक फार्मर होता है लेंचो, ठीक है, और ये पूरी कहानी लेंचो के ऊपर, और लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो इतना अटूट है, इतना अटूट है कि शायद ये चैप्टर आप जब मैं रीड करूँगी तब आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे, इतना अंधविश्वास भगवान में कौन कैसे रख सकता है। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान से उठ ही नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं, बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो मैं पैसेज रीड कर रही हूँ और साथ साथ में हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते जा रहे हैं। सो नाउ पैसेज में कैसा है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है, क्रेस्ट मतलब कि टॉप, क्रेस्ट मतलब कि टॉप, टॉप ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप क्रॉप डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। The only thing the earth needed was a downpour and at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay, अभी क्या है, जैसे मैंने कहा कि लेंचो जो है वो एक्चुअली फार्मर है, वो जिस घर में जिस जगह पे रहता है तो पूरा वो एक हिल है, छोटा सा हिल है, और हिल के टॉप पे उसी का ही घर है। देखो मैंने पिक्चर डाली हुई है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिल है और ये हिल के ऊपर बस ये अकेला ये घर है लेंचो का, ठीक है। और लेंचो इसके लिए क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब कि टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना वर्ड क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो ये हिल कोई इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, लो हिल है, उसके ऊपर जो है वो लेंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट, ओके, यहाँ से कोई भी नीचे बहती हुई नदी जो है वो देख सकता है। आप देख पा रहे हैं नदी बह रही है ना, तो नदी देख सकता है, और ये देखो ये पूरे उसके फील्ड है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा राइपन क्रॉप का पूरा फील्ड है, कौन मतलब कि अपन को पता है मकई ना, तो पूरी मकई का खेत है यहाँ पे, और ये जो फ्लावर्स निकले हुए हैं मकई के अंदर वो प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब कि वो बता रहे हैं कि हम लोग लाइक हम आपको इस बार बहुत अच्छा हार्वेस्ट देंगे, मतलब कि वी आर हेल्दी, ओके, वी आर हेल्दी, और इस बार का हार्वेस्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ओके।
सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. ठीक है, सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही है कि हल्की सी बारिश हो जाए बस. अब आपको पता होगा कि बारिश के टाइम में मकई आती है. ठीक है, बारिश थोड़ा शुरू होगा ना तो देखना आपको है ना लारी पे इन सब में मकई भुट्टा जो है वो बेचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे. ठीक है, तो बारिश के टाइम पे भुट्टे का जो होता है वो बस उसको हल्की सी बारिश चाहिए होती है ताकि पूरा का पूरा पक जाए, ज़्यादा नहीं. तो वो बस वो वही वेट कर रहा है कि बस हल्की सी बारिश हो जाए तो ये जो मेरा अच्छा खासा हार्वेस्ट हो चुका है वो और ज़्यादा राइपन हो जाए और फिर मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा उसको बेचकर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, सुबह से लेकर जो लेंचो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस आसमान को देखे जा रहा है. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, वहाँ से बादल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बादल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश होने वाली है. ठीक है, तो डायरेक्शन देख रहा है जहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि आज तो बारिश होगी. वेल, देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब यहाँ पे वुमेन मतलब कि उनकी वाइफ. ठीक है, यहाँ पे वुमेन जो है वो कौन है? लेंचो की वाइफ है. ओके, लेंचोस वाइफ. तो वो अपनी वाइफ को लाइक आसमान में देखते हुए कॉन्फिडेंटली अपनी वाइफ को कह रहा है कि आज तो बारिश गिर ही जाएगी. तो वहाँ पे उनकी वाइफ हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मतलब क्या होता है? डिनर. ठीक है, डिनर प्रिपेयर कर रही थी वो. तो डिनर प्रिपेयर कर रही है, रिप्लाई कर रही है येस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर बारिश गिरेगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. ठीक है, अब जब तक वो खाना बना रहे हैं तब तक जो उनके बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, जो छोटे वाले हैं वो घर के इर्द गिर्द नीचे जो है वो मस्त खेल रहे हैं. और इतने में मम्मी का बुलावा, चलो बच्चों आ जाओ खाना खाने, डिनर तैयार है. तो इतने मम्मी ने बुलाया कि आ जाओ बच्चों डिनर के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. ठीक है, बस ये खाना खाने का बुलावा आया. ठीक है, यहाँ पे भगवान को लगा कि अरे ये खाना तो बच्चे खाना खाने जा रहे हैं, मैं बारिश भेजता हूँ. ठीक है, बस खाना खाने का बुलावा आया और उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे जो रेन है वो गिरना शुरू हो गई. और जो फार्मर का प्रेडिक्शन था कि आज तो बारिश होगी है ना, आज तो शावर होगा, तो यस एग्जैक्टली आज शावर हुआ. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से दिख रहे हैं कि बड़े बड़े बादल जो है वो लेंचो की तरफ आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अब देखो बारिश होती है तो कितनी प्यारी सी हवा चलती है ना, पहले हवा चलती है मस्त खुशबू, बीनी बीनी खुशबू आती है. ठीक है, तो मस्त हवा चल रही है, प्यारी सी खुशबू आ रही है. द वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ द ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. ओके, तो अब ना लेंचो ये सब देखे तो बाहर चला गया. ओके, तो लेंचो जो है वो घर के बाहर जा रहा है कि मैं बस वो खुशी महसूस करने चाह रहा है. ठीक है, कि बस वो जो ड्रॉपलेट्स है उसको मैं महसूस करूं क्योंकि वो खुशी मुझे देंगे जब मेरा खेत जो है वो पूरा फल फूल जाएगा. सो जब वो जा रहे हैं तो व्हेन ही रिटर्न, जब वापस आया तो वो कह रहे हैं दीज आरंट एयर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. वो कह रहे हैं कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है खाली बूंदें नहीं है बारिश की. ठीक है, ये तो सिक्के हैं. सिक्के मतलब कि ये तो पैसे हैं. ठीक है, कॉइन्स हैं. द बिग वंस आर 10 cents पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5. जो बड़े बड़े पानी की बूंदें गिर रही हैं ठीक है, वो बेसिकली 10 cents, जैसे हम कहें 10 रुपये बोलेंगे हम लोग. ठीक है, वो 10 रुपये हैं ऐसे करके, तो वो 10 cents हैं. और जो छोटी छोटी वाली बूंदें गिर रही हैं वो 5 cents, मतलब कि 5 रुपये. आप हम लाइक हम इंडिया में हैं तो थोड़ा रुपये के हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं, तो 5 रुपये. ठीक है, ऐसे करके. तो इवेंचुअली यहाँ पे ये इंश्योर कर रहा है, ये जब बोल रहे हैं ना लेंचो, तो एक्चुअली वो अपनी फैमिली को इंश्योर कर रहे हैं कि बारिश बहुत अच्छी गिर रही है, बढ़िया बारिश गिर रही है, हमारा जो क्रॉप है वो पूरा अच्छे से क्या बोला राइपन हो जाएगा और हम लोगों को इस साल जो है वो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे उसको बेचकर. ठीक है, इसका मतलब कि पूरा साल हमारा आराम से जाएगा. ठीक है, अब तक तो बड़ी खुशी खुशी बात है. चलो आगे देखते हैं. नाउ With a satisfied expression, he regarded the field of ripe crop with its flowers draped in a curtain of rain. Okay, अब with a satisfied expression, जब वो देख रहा है ना तो बस हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अच्छी जी बारिश गिर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है. He regarded the field of ripe crop with its flowers. ठीक है, regard मतलब कि एक नहीं consider करते हैं. तो यहाँ पे वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ देख रहे हैं. तो लेंचो जो है वो ये कह रहे हैं कि जो फ्लावर्स, ठीक है, वो जो फ्लावर्स जो वो लाइक कवर्ड हो चुके हैं, ट्रैप्ड मतलब कि कवर्ड,
ड्रेप्ड मतलब कि कवर्ड इन अ कर्टन ऑफ द रेन, ठीक है, बारिश की बूंदों में जो पूरे कवर हो चुके हैं। जैसे अपन कैसे घर में यूं खिड़की लगा, खिड़की पे जो कर्टन लगा देते हैं, ठीक है, तो खिड़की दिखती नहीं ना, ठीक है, तो उसी तरीके जो फ्लावर्स है उसके ऊपर पूरी बारिश की बूंदें चिपक गई हैं, तो इस वजह से फ्लावर्स दिख ही नहीं रहे। तो ये फ्लावर्स नहीं दिख रहे, बारिश की बूंदें, इसका मतलब कि पूरा का पूरा क्रॉप जो है वो अच्छे से राइप हो रहा है, ये अच्छे सब अच्छे चल रहा था। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन हैवी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। बापरी, अब क्या हुआ, ये सब खुशी का माहौल चल ही रहा था, इतने में तूफान आया, ठीक है, एक बहुत बड़ा तूफान आया, और तूफान आते तो बारिश की स्पीड भी तेज़ हो गई, और वहाँ पे बड़े बड़े हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब कि बर्फ़ के ओले, इसको ओले बोलते हैं ना, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े जो है वो, कहाँ प्यारी सी बारिश गिर रही थी, बर्फ़ के टुकड़े नीचे गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ऐसे लग रहा था कि अब देखो छोटे वालों को 5 रुपये बोले हैं, ठीक है, उससे थोड़े बड़े ड्रॉप से पानी के तो उसको 10 रुपये, अभी तो बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं, तो बर्फ़ के ओलों को उन्होंने क्या 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 बोला है, सिल्वर कॉइन्स के हिसाब से बोला है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब बच्चे तो खुश हो गए, ठीक है, तो बच्चे जो है फटाफट से बाहर गए, ओके, बारिश में प्यारे से बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए, और उनको ऐसा बारिश में खेलेंगे हम लोग, और जो हेलस्टोन है उनको हम पकड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हेलस्टोन को क्या 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 वर्ड दिया है, फ्रोजन पल्स, पल्स मतलब मोती, तो जब बर्फ़ के गोले गिरते हो तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना, ठीक है, और फ्रोजन है, ठीक है, बर्फ़ है इसके लिए, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे फ्रोजन पल्स की तरह उनको उन्होंने कनेक्ट किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, अब क्या हुआ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। ठीक है, जब तक थोड़ा तूफान था तब तक तो ठीक ही था, पर उसके बाद यह बंद ही नहीं हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे उसकी हवा तेज़ होती जा रही है, ओके, बर्फ़ के ओले गिरते जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेंचो कह रहा है मुझे तो अभी डर लग रहा है, मैं तो बहुत टेंशन में आ रहा हूँ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो अभी दिन भर लाइक धीरे धीरे ये तो लाइक वर्स्ट होता जा रहा है। सो आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये स्टॉर्म जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। अब क्या हुआ, जब ये जब उम्मीद कर रहा है कि बस भगवान जी इसको बंद कर दो, अब ज़्यादा नहीं करो, बट बंद ही नहीं हुई है। ठीक है, वो तकरीबन 1 घंटे तक पूरी की पूरी जो है बर्फ़ के ओले जो है वो गिरते रहे, और ये सब देखकर, ठीक है, ये सब देखकर लेंचो बहुत उदास हो गया। ये जो हेलस्टॉर्म ने मतलब क्या क्या किया, इतनी तेज़ बारिश थी कि घर के ऊपर पानी, मतलब पूरा घर जो है वो बर्फ़ बर्फ़ जैसा हो गया, पूरा गार्डन जो है वो बर्फ़ की तरह बर्फ़, पूरा स्नो जम गया उसके ऊपर, हिल साइड कॉर्न फील्ड मतलब कि खेत के ऊपर पहले फ्लावर्स थे, ठीक है, उसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ़ की लेयर आती गई, मतलब सब कुछ वाइट हो गया, समझ, हर एक चीज़ जो है वो वाइट हो गई, और ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया है। ठीक है, पूरे के पूरे वैली और पूरी जगह पे सबने नमक छिड़क दिया है, घर वाइट, ओके, वैली वाइट, हिल्स वाइट, कॉर्न फील्ड पूरा वाइट, पूरा सफ़ेद सफ़ेद, तो ये सॉल्ट नहीं है, ये पूरे मतलब कि स्नो पूरा का पूरा जम गया। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न। क्या हो रहा है, तो जैसे ही हुआ तो लेंचो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, इतना डिसअपॉइंट हो गया जब ये सब उसने देखा, क्योंकि उसका प्लान क्या था, उसका प्लान था कि अच्छी सी बारिश गिरेगी, मेरा जो क्रॉप है, जो कॉर्न है वो हार्वेस्ट हो जाएगा, मैं उसको बेचूंगा, पर जो उसने सोचा था बिल्कुल विपरीत हुआ। ठीक है, इतनी तेज़ बारिश गिरी, इतनी तेज़ बारिश गिरी कि जो फ्लावर्स ट्री पे थे वो सारे के साथ नीचे गिर गए, स्नो के दबाव में, स्नो उसके ऊपर आया तो लाइक वीक हो जाएंगे ना, तो नीचे की तरफ गिर जाएंगे, तो नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। ठीक है, पेड़ पौधों पे एक पत्ता नहीं है, पूरा का पूरा कॉर्न जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा कि इसको काट के बेच पाए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स से साइड से फ्लावर्स चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, ये सब देखकर लेंचो बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, ठीक है, जब स्टॉर्म चला गया तो अपने खेत में गया, और खेत में बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों को बोल रहा है, बच्चों अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकस एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का ऐसे होता है, तो कह रहा था कि अगर लोकस्ट आते ना, अगर उनका पूरा झुंड आता ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर उनका पूरा झुंड आता ना, फिर भी वो कुछ तो छोड़ के जाते, ठीक है, कुछ तो छोड़ के जाते जिसको बेचकर मैं पैसे कमा लेता, स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है।
द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, उसने बोला कि इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं है, कोई मक्का ही नहीं है, मक्का नहीं है, हम लोग कुछ बेच नहीं सकते हैं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आउट ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अपने बच्चों को बोल रहे हैं वो कि ये आज की रात हमारे लिए भयानक रात है, ठीक है, दुखों भरी रात आई है ये, हमने जितना भी काम किया फॉर नथिंग, सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है, इतना हम लोगों ने पूरे टाइम दिया कॉर्न को उगाने में, सब कुछ बर्बाद हो गया बच्चों, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो हमारे पास कोई है भी नहीं जिससे हम मदद कर पाए, जो हमें मदद कर पाए, इस साल हम सब जो है वो भूखे ही सोएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं आएंगे कि मैं आपको कुछ बच्चों खाना खिला पाऊँ, ठीक है, ये सब अपने बच्चों को बोल रहा है बहुत दुखी होकर लेंचो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर, दैट वॉट दे सेड, नो वन डाइज हंगर। अब यहाँ पर बेसिकली जो वाइफ है लेंचो की, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा आश्वासन दे रही हैं और वो कह रही हैं, बट लाइक पहले वो थोड़ा बता रहे थे इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल हु लिव्ड इन देयर सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी, ठीक है, पूरा अकेला घर, जैसे हमने बात की ना, सॉलिटरी मतलब कि लोनली हाउस, ठीक है, अलग अकेला ये घर है पूरे मिडल वैली में, कोई और तो है नहीं उनको मदद करने के लिए, कोई इंसान तो है नहीं मदद करने के लिए, देयर वॉज अ सिंगल होप, बस अभी एक से ही आशा है और वो है भगवान, ठीक है, भगवान मदद करेंगे। तो यहाँ पे उनकी वाइफ कह रही है डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, वो कह रहे कि अपसेट मत हो, पूरा दिख रहा है कि पूरा पूरा बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ हमारे पास क्रॉप बचा नहीं बेचने के लिए, पर ये चीज़ याद करना, ठीक है, भगवान कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, ओके, मतलब कि कोई भी इंसान ना भूख के मारे तरफ के कभी नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाई दे सेड नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। तो इस तरीके से बस वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं मरेगा तो हम भी भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है, कोई ना कोई तो रास्ता ज़रूर निकल जाएगा, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। नाउ ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of men. Okay. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंचो जो है वो पूरी रात, ठीक है, पूरी रात बस यही सोच रहे हैं कि बस हमारे पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बच गया है, और वो है भगवान की मदद मांगना, भगवान से मदद मांगना, क्योंकि उसको बचपन से ये चीज़ सिखाई गई है कि भगवान सब देखते हैं और सब सुनते हैं, भगवान हर जगह पे होते हैं और वो सब कुछ देखते हैं और सब कुछ सुनते हैं, यहाँ तक कि आपके मन में क्या चल रहा है ना वो उनको पता चल जाता, आप ना भी बोलो फिर भी वो आपकी सारी की सारी बातें सुन लेते हैं और आपकी सारी की सारी बातें जो है वो समझ लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन इसका मतलब कि हार्ड वर्किंग, ठीक है, लेंचो कैसा है बेटा, बहुत हार्ड वर्किंग है, ओके, कभी कभी आपसे आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब कि हार्ड वर्किंग, ओके, लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, आपने देखा है खेत में ना जो बुल्स होते हैं ना हल चलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करती हैं। देखो अभी का तो टाइम क्या, अभी का ट्रैक्टर वगैरह आ गया तो इसका अपने को पता नहीं, बट अगर आप बहुत पुराने टाइम पे हम देखो ना, जब एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ तो आपने देखा होगा दो बुलॉक्स होती हैं, उनके बीच पे डंडा लगाया जाता है ना, और फिर वो पूरा खेत में पूरी वो प्लोइंग करते हैं, ठीक है, तो वो इतना काम करती हैं तब जाके हमारे खेत में फसल उगता था, तो वैसे ही काम, ठीक है, दिन रात काम जो लेंचो करता है, इसलिए वो हार्ड वर्किंग एक एनिमल की तरह काम करता है अपने फील्ड के अंदर, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो यहाँ पे ये कि वो एक छोटा सा फार्मर है, उसको बस खेती बाड़ी आती है, बट ठीक है, उसके बावजूद उसको थोड़ा बहुत लिखना तो आता ही है। द फॉलोइंग संडे, अब उसके बाद जो संडे आया, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। बस वो संडे आया, ठीक है, दोपहर के टाइम में उसने अपना लेटर लिखा और वो लेटर खुद वो टाउन में गया और जो लेटर पोस्ट होता है ना, ठीक है, बॉक्स होता है, उसमें वो प्लेस करने के लिए गया, और ये लेटर कुछ और था ही नहीं, बस भगवान को लिखा था, भगवान को लेटर लिखा गया है बाय द लेंचो, दैट्स वाई द नेम इज़ अ लेटर टू गॉड, ठीक है, भगवान को लिखा गया है, देखिए कितना ज़्यादा विश्वास है। आइए आगे देखते हैं चैप्टर, है ना मज़ेदार, इसको विजुअलाइज करो ना, जैसे मैं बता रही हूँ इसको विजुअलाइज करो, यू विल फील द ग्रीफ द फेथ,
ठीक है, जो दुख है वो भी आप फील कर पाओगे, जो उसको विश्वास है अपने भगवान में वो ही फील कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं क्या है। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग .. ठीक है, तो कह रहे हैं कि भगवान जी आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो इस बार भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, मतलब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मुझे आप 100 पैसोस दे दीजिए। देखो अब पैसोस जो है वो करेंसी का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ करेंसी, ये करेंसी का नाम है। तो जैसे हमारे पे रुपीज़ चलता है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, एक्चुअली मेक्सिको या स्पेनिश हम बोलूँ तो वहाँ पे करेंसी चलती थी ये, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मुझे आप बस 100 पैसों दिलवा दीजिए, इन पैसों से मैं अपने खेत में फिर से फसल उगाऊंगा और थोड़े पैसे जब तक ये फसल पूरी ग्रो हो जाएगी तब तक जो मुझे मेरी परिवार को खिलाने के लिए मुझे थोड़ा पैसा चाहिए होगा, तो मुझे इसके लिए 100 पैसों चाहिए बिकॉज है हेल्थ स्ट्रॉन्ग .. अब यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया, मतलब आप ही ने तो हेलस्ट्रॉम भेजा ना, ठीक है, आप ही के यहाँ से तो आया तो पूरा बर्बाद हो गया, आपने तो देखा वो चीज़ कि हेलस्ट्रॉम ने क्या किया। और इस तरीके से उन्होंने लेटर को पूरा फोल्ड किया, एनवलप में रखा और एनवलप के ऊपर क्या लिख दिया बेटा, टू गॉड। आपको पता होगा जब भी हम लेटर लिखते हैं उसके ऊपर का जो एनवलप होता है उसमें जो सेंड जो रिसीवर होता है उसके एड्रेस लिखी जाते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उनकी एड्रेस लिखी जाती है। तो यहाँ पे तो किसको लेटर भेज रहे हैं, भगवान जी को, तो इसके लिए क्या लिखा, टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, ठीक है। और इस तरीके से वो लेटर लिखकर उसको टाउन में लेके जा रहे हैं, एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इतने पोस्ट ऑफिस से पहुँच रहे हैं वहाँ पे, ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे स्टैम्प रखा और फिर मेल बॉक्स में उसको डाल दिया, डन। चलिए आगे, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो एक पोस्टमैन गया जो एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में काम करता था, ठीक है, वो लेटर उठाया और लेटर पे जब उसने लिखा, देखा कि एड्रेस लिखा हुआ है टू गॉड, तो हंसते हंसते पागल हो गया और हंसते हंसते वो जा रहा है पोस्ट मास्टर के पास, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर, अच्छा अब ना आपसे ना सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर कैसे दिखते थे, क्या था, तो यहाँ से उसका कैरेक्टर स्केच जो है वो आएगा, ठीक है, तो देख लेना क्या है। सो यहाँ पे हंसते हंसते गए, ओके, द पोस्ट मास्टर अ फैट एम्बियल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑल्सो इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। तो पहले तो बड़े हंसे, ठीक है, अच्छा वो पोस्ट मास्टर कहते मोटे से थे, ठीक है, गोलू मोलू होते ना, ठीक है, तो एक्चुअली पोस्ट मास्टर जो है मोटे से थे, एमिएबल इसका मतलब कि फ्रेंडली, ठीक है, काफ़ी वो फ्रेंडली फेलो थे, ठीक है, फ्रेंडली अच्छे से, वो भी हंस पड़े थे जोर जोर से, बट सडनली उनको एक चीज़ स्ट्राइक हुई, ओके, और वो सीरियस हो गए और लेटर को यूँ डेस्क पे रखा और कहा, क्या विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे ऐसा विश्वास होता जितना भगवान में इस बंदे को विश्वास है ना, ये आदमी को इतना विश्वास जिसने भगवान को खत लिख दिया, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, मतलब ये देखकर, ठीक है, कि मतलब अचरज हो जाना, मतलब वो लाइक अचरज हो गई ये सब देख के, पहले तो मजाक हो रहा है, फिर जब उसको सीरियसली सुना ना, अचरज हो गया कि ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है जो भगवान में इतना विश्वास कर रहा है कि भगवान को लेटर लिख रहा है, मतलब कि आज अगर वो लेटर लिख रहा है इसका मतलब कि वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा कि भगवान जी उसको सामने इसको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते क्या होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया द आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपन्ड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल इंक एंड पेपर, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, इस बंदे का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर भगवान से विश्वास टूट गया ना तो वो बंदा टूट जाएगा, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो वो अपने सारे साथी हैं ना, उनको वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ना इस लेटर का जवाब हम उसको देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने लेटर खोला कि चलो लेटर खोल दे, देखते क्या है। अब लेटर के अंदर जवाब देने से ज़्यादा बहुत कुछ था,
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गुडविल नहीं चाहिए, मतलब भगवान की वो जो इमेज है वो ना शटर नहीं होना उन्हें देना चाह रहे थे, वो टूटे नहीं उसके नज़रों में, भगवान की इमेज, भगवान की जो आस्था है वो कम ना हो, वो उसके लिए उन्होंने लेटर खोला। तो बोला ठीक है हम कोई जवाब दे देंगे, ठीक है भगवान के बिहाफ पे, बस चाहिए क्या पेन पेपर चाहिए और हम लिख लेते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ठीक है, बट जब देखा ना तो अचरज हो गया, क्योंकि आपको पता है लेटर में क्या लिखा था, उनको क्या चाहिए था, लेंचो को 100 पैसोस चाहिए थे ना, उसको पैसे चाहिए थे। अब ये जब उसने लेटर रीड किया तो पैसे चाहिए इसको, तो अरे बाप रे अब क्या करें। बट फिर भी ना जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो अपने शब्दों से नहीं मुकरा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये वर्ड याद करना, बहुत यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि नहीं हम ना एक काम करते हैं, हम हमारा जितना है ना उतना हम दान करते हैं। तो कुछ सैलरी का पोर्शन जो है वो पोस्ट मास्टर ने खुद ने दिया, कुछ एम्प्लॉयज से मांगा, कुछ अपने दोस्तों से मांगा, ठीक है, इस तरीके से डोनेट किया, और डोनेट करके लाइक जितना लाइक मनी जो है वो इकट्ठा किया ताकि वो उसको दे पाए। और यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, चैरिटी, अब कहते हैं ना चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम। ठीक है, आपको कहीं पे भी दान पुण्य करने के लिए कहीं आपको सड़क पे नहीं जाना पड़ता है, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं दरगाह में नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ता है, चैरिटी घर से शुरू होती है। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे कोई आया है तो यही चैरिटी, अगर वो इतना बंदा जो है वो इतना नीडी है कि भगवान को लेटर लिख रहा है, तो यहाँ से आपकी इंसानियत जो है वो शुरू होती है, तो यहाँ से ही चैरिटी। तो इट इज़ अ एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी वर्ड भी क्यों दिया, क्योंकि उस वो इसके लिए कोई मैं पैसे लौटा नहीं पाऊंगा, है ना। देखो, उधार मांगना मतलब पैसे लौटाना, चैरिटी दान करना तो पैसे तो नहीं आते वापस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दोस्तों को और अपने एम्प्लॉयज को ये कह रहा है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, हम यहाँ पे पैसे दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए वापस आने की उम्मीद मत रखना, तो जितना आप डोनेट कर पाओ उतना इसमें डोनेट करो, ताकि उस बंदे की जो आस्था है वो ना टूटे। ठीक है, देखते अभी क्या हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only single word as a signature, God. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब ना सीधी सी बात है, 100 पैसों बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। आज अगर हम कहेंगे अच्छा 100 रुपये तो हैं अभी के लिए, 100 रुपये ठीक है, बट अगर आप लाइक जाओ इतने पुराने में, ठीक है, तो लाइक 19th में जाओ, 18th सेंचुरी में, उस टाइम पे ये 100 पैसोस बहुत बड़ी बात होती थी। तो 100 पैसोस जुटा नहीं पाए, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, अब 100 का हाफ 50 होता है, तो एक्चुअली ये 70 पैसोस जो है वो जुटा पाए थे। तो 70 पैसोस जो जुटा पाए, एनवेलप में रखा, ठीक है, एड्रेस पे टू लेंचो लिख दिया, और नीचे सिग्नेचर क्या कर दी, गॉड, ठीक है, फ्रॉम गॉड, गॉड से ही आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Okay, अब इतने में जो जैसे संडे आया, दूसरा संडे, तो लंचो लाइक मतलब बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, और आके पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन ने खुद ने वो लेटर जो है वो अपने हाथ से लेंचो को दिया कि ये रहा आपका लेटर। और जो पोस्टमास्टर है वो अपनी ऑफिस में थे, और अपनी ऑफिस में खड़े खड़े सब कुछ देख रहे हैं, लेंचो का चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि लेंचो का विश्वास ना टूटे, उसको पैसों की मदद कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड डीड ना, डीड मतलब कर्म, ठीक है, अच्छे कर्म किए, तो वो सब ऑफिस में से देख रहे थे। लेंचो शोड नो स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी Which was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब यहाँ पे जब उसको लेटर दिया गया ना लेंचो को, लीजिए आपका लेटर आया है भगवान के यहाँ से, तो लिटरली लेंचो के चेहरे पे कोई सरप्राइज था ही नहीं, मतलब उसको पता था कि मुझे लेटर आएगा। ओके, ही वॉज डिटरमाइंड कि भगवान मुझे लेटर देने वाले हैं, सोचो विश्वास देखो, ठीक है, मुझे लेटर तो मिलने वाला है, तो उनके चेहरे पे ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं था। हाँ, फिर जब उन्होंने एनवेलप खोला, पैसे गिने तो उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने बोला टेक आउट करके, उन्होंने कहा कि भगवान कभी गलती नहीं करते, ठीक है, भगवान कभी गलती नहीं करते, तो मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे हैं, तो भगवान मेरी प्रार्थना या मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो अभी क्या हुआ, चलो देखते हैं। इमिडिएटली लेंटो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by effort he had to make to express his ideas.
अब ना वो फटाफट से गया पोस्ट ये विंडो के वहाँ पे, कहा कि मुझे पेपर और पेन चाहिए। पेपर और पेन और एक टेबल पर ही थी जहाँ पे लोगों को लेटर ऑन द स्पॉट लिखना होता लिखने के लिए। वहाँ पे वो यूँ आईब्रोज यूँ टेंशन में आके यूँ करके यूँ लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, व्हेन ही फिनिश्ड ओके ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। अब लेटर लिखा उन्होंने, ठीक है, अब लेटर में क्या लिखा आगे देखते हैं। अब इतने में वो लेटर लिख के ख़त्म किया, विंडो गए, स्टैम्प किया, उसको ऐसे तुम लगा के वहाँ पे चिपका दिया, ऐसे चिपकाते हैं सब लोग ओके विद द ब्लो ऑफ द फिस्ट, ऐसे करके ना चिपका देते हैं, ऐसे करके चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक है। अब जैसे वो गए और लंच में चले गए, अब पोस्ट मास्टर को था कि देखूँ तो लिखा क्या है, ही वॉज लाइक सो क्यूरियस कि अब इसका क्या रिएक्शन है पैसे देख कर। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि अब लेटर में लगा था भगवान जी मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, मुझे से 70 पैसे ही मिले हैं और मुझे पता है कि आपने 100 पैसे ही दिए हैं, पर ना मुझे अभी दूसरों की ज़रूरत है, मुझे 30 पैसे की और ज़रूरत है, आप मुझे भेजिए, मैं बहुत ज़्यादा लाइक नीड में हूँ, पर हाँ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, ठीक है, मतलब कि इनके इनके द्वारा नहीं भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ना दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स, इसका मतलब ये है कि ये सब जो है वो चोर हैं, ठीक है, इन्होंने मेरे पैसे लूट लिए, मेरे को मतलब मुझे मेरे पैसे चोरी कर दिए, ठीक है, तो उसके लिए बंच ऑफ क्रूक्स हैं ये, लूटे रहे ये, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, ओके ऐसे करके। तो आप सोचो, आप एक कहानी सोचो, आप सोचो मतलब लेंचो को इतना विश्वास है कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, ठीक है, इंसान को गलत मान रहा है वो, ठीक है, इंसान के लिए कि ये चोर है, इन्होंने मेरे पैसे आधे जो है वो ले लिए, आपने तो पूरे भेजे ही होंगे, पर अभी मुझे वो वाले जो बाकी पैसे वो भेज दो क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अब नेक्स्ट पैसों के लिए भी वो भगवान को ही लेटर लिख रहे हैं, तो दैट इज़ कंसिडर ब्लाइंड फेथ, ठीक है, मतलब कि इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं बोला। आज हमारे पे बच्चों को मुसीबत आती है तो हम लोग बोलते हैं मैं ही क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ही क्या बिगाड़ा है भगवान का, हम इसे बोलते रहते हैं। यहाँ पे उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया, इसने कभी ये नहीं बोला कि मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। फिर भी उनको आस्था जो है भगवान के ऊपर ही कि भगवान ही हमें मदद करेंगे, जिसकी वजह से भगवान को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, किसी और को नहीं लिख रहे हैं, भगवान को लेटर लिख रहे हैं। दैट इज़ अ लेटर टू गॉड, दिस इज़ कॉल्ड अ एक्चुअल फेथ, ठीक है, ये है फेथ होना चाहिए। तो जब आप ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, जब आप मेहनत से काम लाइक मेहनत करते हैं, काम करते हो, आपको अपने काम पे विश्वास होता है ना, तो आपको भगवान पे भी उतना ही विश्वास होता है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान सब देखते हैं और भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा होगा एंड मैंने आपको हर एक चीज़ जो है वो इसके अंदर कवर करवाई। तो चलिए बच्चों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट और लाइक जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट भी करते हैं, और प्लस आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका एक भी पैसा, मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई भी आपको चार्ज नहीं करना, आपसे मैं 1 रुपया नहीं ले रही, बस मुझे आपका कि सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो पाए, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।